हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। क्लास टेंथ सीबीएसई बोर्ड, फिगर भी देख के आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, बाकी फिगर बहुत ही अच्छा है मेरा, तो काफी अच्छा फिगर बना रखा मैंने अपने हिसाब से, राइट। सो स्टूडेंट, जो ह्यूमन आई है वो एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से आपको लगभग हर साल 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनका क्या क्या काम है, एंड देन उसके बाद फिर हम चलेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं ह्यूमन आई में और उसको हम कैसे क्योर करेंगे, उसको कैसे हम सही करेंगे, राइट। तो देखो, जब हम एक ह्यूमन आई ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, कॉर्निया। सबसे पहले क्या आता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है बच्चे, कि ये सबसे पहला लेयर होता है। कॉर्निया हमारा क्या होता है, सबसे पहला लेयर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या करता है कि जो भी लाइट आती है उनको अलाउ करता है एंटर करने के लिए, राइट। अब देखो इसका और क्या काम है कि भाई कॉर्निया क्या करता है कि जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनसे हमारी आंखों को, मीन्स हमारे पेपिल को बचाता है, डस्ट पार्टिकल से बचाता है हमारी आंखों को, राइट, हमारे आंखों को। तो ये हमारा काम है क्या, कॉर्निया का। तो कॉर्निया क्या, हमारे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, फर्स्ट लेयर है हमारे आंख का, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो कि लाइट को अलाउ करता है एंटर करने के लिए। दूसरी चीज कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज और डस्ट पार्टिकल से हमारी आंखों को क्या करता है, बचाता है, राइट। चलो अब यहां पे नेक्स्ट हमारा क्या है, आयरिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, आयरिस। अब देखो आयरिस क्या है कि ये जो आप ब्लैक स्पॉट आप यहां पे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पिपिल। और आयरिस क्या करता है, इन प्यूपिल को होल्ड करके रखता है। आयरिस क्या करता है, प्यूपिल को होल्ड करके रखता है। दूसरा इसका काम क्या है कि भाई देखो, जो आयरिस होता है बच्चे, जो आयरिस होता है बेसिकली, तो ये जो कॉर्निया के बिहाइंड जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, कॉर्निया के पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। आयरिस हमारा डार्क कलर का होता है, मींस कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ब्लू, दिस इज कॉल्ड आयरिस। यानी कि जो हमारे आंखों में, अभी अगर आप हमारी आंखों में देखेंगे या आप अगर मिरर के सामने खड़े होकर देखेंगे तो जो एक बड़ा सा जो ब्लैक होगा, ब्लैक स्पॉट होगा या हो सकता है वो ब्राउन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं, राइट। तो अब आयरिस का काम क्या होता है कि ये हमारे पिपिल को होल्ड करके रखता है और ये पिपिल को क्या करता है, एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पिपिल को क्या करता है, एडजस्ट करता है और हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करता है, राइट। तो देखो बच्चे, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, तो आप पेन पेपर लेके बैठो और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आप अपने वर्ड में लिखते जाओ, वो बेटर होगा कि अगर आप अपने वर्ड में लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, राइट। चलो नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, प्यूपिल। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्यूपिल। तो प्यूपिल मैंने पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो या कोई भी हो, जो प्यूपिल होगा वो सबका ब्लैक कलर का होता है, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, एक ब्लैक होल होता है। प्यूपिल हमारा क्या होता है, एक ब्लैक होल होता है। अब देखो ये क्या है कि जितनी भी लाइट आती हैं उन सब को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जितनी भी लाइट हमारी आएंगी वो इन सब लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि आपने पढ़ रखा भाई कि जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, राइट। लाइट का क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। तो जितनी भी लाइट आएंगी ये सारी ही लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। या हो सकता है कि कुछ लाइट को, मीन्स नाम मात्र की लाइट को क्या करे, ये रिफ्लेक्ट करे, राइट। अदरवाइज ये सारी लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसका जो मेन फीचर है बच्चे वो क्या होता है कि जो प्यूपिल होता है वो ब्राइट लाइट में अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, अपने साइज को छोटा कर लेता है
और अगर वहीं पे डीम लाइट हो तो डीम लाइट में ये क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, एक्सपेंड हो जाता है, राइट। अब जैसे मान लो कि आपने बचपन में बहुत बारी खेला होगा, धूप में जाके आपने खेला होगा, अगर आपने कर रखा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धूप में आपने खेला, आप एकदम से आप अंधेरे कमरे में आते हैं या घर में आते हैं तो आपको चीजें दिखाई नहीं देती हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ब्राइट लाइट में होते हैं वहां पे, तो हमारा जो प्यूपिल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, साइज क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। लेकिन जैसे ही आप डिम और कम लाइट वाले कमरे में आते हैं या फिर अंधेरे कमरे में आते हैं तो एकदम से हमारा जो पिपिल है वो एक्सपेंड नहीं हो पाता, यानी कि आयरिस एकदम से उसको एक्सपेंड नहीं करता, थोड़ा सा हमें समय लगता है एक्सपेंड होने में, तो वो नंबर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तुरंत, तो इस वजह से हमें कुछ समय के लिए चीजें दिखाई नहीं देती हैं। या आप कभी अंधेरा और मिस लाइट बंद करके आप सो रहे हो, लाइट बंद करके आप सो रहे हो कुछ टाइम तक, अचानक से आपकी मम्मी आए या आपके घर में कोई बच्चा हो या कोई भी पेरेंट्स आपका, वो एकदम से लाइट क्या कर दे, ऑन कर दे, तो हमारी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या होता है बच्चे यहाँ पे, कि हमारा जब लाइट बंद था तो जो प्यूपिल होता है उसका साइज एक्सपेंड हो जाता है, राइट, उसका साइज क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन जब एकदम से लाइट जलता है, ऑल ऑफ सडन लाइट जलता है, तो नंबर ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि साइज क्या रहता है, बड़ा रहता है प्यूपिल का, तो जब नंबर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से हमें आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और ये धीरे धीरे सही होता है, क्योंकि प्यूपिल का साइज छोटा होने में भी क्या लगता है, टाइम लगता है, राइट। तो प्यूपिल अपने अपने आप को क्या करता है, एक्सपेंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। अगर लाइट हमारा डिम है, लाइट हमारा अंधेरा है या डिम है, तो वहां पे वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा। अगर ब्राइट लाइट है तो वहां पे प्यूपिल अपने साइज को क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, साइज को स्मॉल कर लेगा, राइट। अब देखो यहां पे हमारा एक और आता है, एक्वस ह्यूमर आता है, एक्वस ह्यूमर। अब देखो एक्वस ह्यूमर क्या होता है बच्चे, कि यहां पे एक हमारा एक लिक्विड टाइप का एक कुछ लिक्विड होते हैं जो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, सिलेरी मसल होता है। सिलेरी मसल क्या करता है कि जो लेंस होता है हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, लेंस है। तो सिलेरी मसल क्या करता है, लेंस को होल्ड करके रखता है। सिलेरी मसल क्या करता है, लेंस को होल्ड करके रखता है और इसको एडजस्ट भी करता है, मीन्स इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट भी करता है अकॉर्डिंग टू द नियर बाई ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट। क्योंकि हो सकता है कि भाई कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हो वो कभी पास आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, फिर कभी पास आ रहा है, फिर कभी बहुत दूर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेरी मसल क्या करता है, इस लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करते रहता है, राइट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे, कि अगर हमारा सिलेरी मसल डैमेज होता है तो यहीं पे हमें हमारे आंखों में मेनली प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। इसी वजह से जब डॉक्टर लोग या फिर जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं मना करते हैं कि अगर हमारी आंखों में कुछ पड़ जाए तो हमें आंख को ऐसे रब नहीं करना चाहिए, उसको पानी से धुल लेना चाहिए, राइट। रीजन क्या होता है कि हम आंख को ऐसे इस तरीके से जब हम रब करते हैं तो सिलेरी मसल हमारा वहां पे क्या होता है, डैमेज होता है। और जब सिलेरी मसल डैमेज होगा तो जो लेंस हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। लेंस ढीला होगा तो वो अपने प्लेस से हट जाता है, जहां पे हमें फिर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है, राइट। अब देखो ये हमारा कौन सा लेंस होता है बच्चे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट बीम ऑफ लाइट को कन्वर्स करता है एक पॉइंट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आता है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है कि ये भी एक हमारा लिक्विड होता है जो कि जब बहुत ही हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है तो कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी चीज कि ये जो रेटिना आप देख रहे हैं उस रेटिना को ड्राई होने से बचाता है, क्लियर।
फिर अगर हम बात करें हमें बच्चे रेटिना की, तो ये हमारा ये जो आप देख पा रहे हो रेटिना, रेटिना हमारा क्या होता है, स्क्रीन होता है हमारे आईज का, या फिर आप कह सकते हो कि ये माइक्रो मेम्ब्रेन होता है जहां पे इमेज फॉर्म होता है, जहां पे इमेज फॉर्म होता है, राइट। यहां से यानी कि जो लाइट हमारा कन्वर्ज होगा वो हमारा रेटिना पे इमेज को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां से नर्व हमारा क्या होता है प्रोड्यूस होता है, मीन्स जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं यहां से। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होता है कि ऑप्टिकल नर्व्स हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है, जो हमारे माइंड को सिग्नल भेजता है एंड देन हमें माइंड एबल करता है चीजों को देखने के लिए। तो ये कुछ हमारा क्या है स्ट्रक्चर है। जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, राइट। चलो अब यहां पे हम देखेंगे कि भाई जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ टू आईज, तो अगर हम यहां पे बेनिफिट ऑफ टू आईज की अगर हम बात करें, बेनिफिट ऑफ टू आईज एक और दो, राइट। तो सर पानी पी लूं। चलो अब हमारे आंखों का बेनिफिट क्या है, दोनों दो आंखों का बेनिफिट क्या है। देखो जैसे मान लो कि अगर मैं अपना एक आंख यहां पे बंद करूं तो आप एक आंख के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप 150 डिग्री तक ही आप देख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे पास दोनों आंखें हैं तो इन दोनों आंखों को मिला के आप 180 डिग्री तक आप देख सकते हैं। अगर एक आंख है तो 150 डिग्री तक देख सकते हैं, दोनों आंखों से आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं, राइट। पहला बेनिफिट। दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो 3D स्ट्रक्चर हम बेटर एनालाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक आंख है तो हम एक आंख से उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, राइट, उसकी लेंथ क्या है, ये सारी चीजों को हम एक परफेक्ट वे में एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास टू आईज हैं तो हम 3D स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट है टू आईज के। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो, फिगर बना लो, और जो भी चीजें मैंने बताया उसको आप कॉपी पे अपने वर्ड में आप मेंशन कर लो, नोट कर लो, ओके। सो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, राइट। तो पहला हमारा इसमें क्या आता है, कैटरैक्ट। पहला क्या होता है, कैटरैक्ट। अच्छा कैटरैक्ट क्या होता है कि जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा भाई कि जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है वो हमारा होता है कॉर्निया, राइट। और कॉर्निया क्या करता है कि यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, राइट। लेकिन उसकी भी क्या एक लिमिट होती है, राइट, उसकी भी क्या होती है एक लिमिट होती है। तो जैसे ही उसकी लिमिट क्या खत्म होती है तो अल्ट्रावायलेट रेज कॉन्टिन्यूस अगर हमारे सिलेरी मसल पे पड़ रहे हैं तो वो भी क्या होता है, वीक हो जाता है, और उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज पास होना स्टार्ट होता है, राइट। और इसकी वजह से जो हमारा लेंस होता है वो हमारा मिल्की या क्लाउडी हो जाता है, कहीं कहीं हो सकता है आपको देखने को मिल जाए कि जो सिलेरी जो हमारे कॉर्निया होते हैं वो मिल्की या फिर क्लाउडी हो जाते हैं, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। जिसमें हमारा कॉर्निया या किसी किसी बुक में आपको लेंस लिखा हुआ मिल जाएगा, वो जब मिल्की या फिर क्लाउडी हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं, राइट। तो यहां पे लेंस और यहां पे मैं दोनों चीजें लिख दे रहा हूं, ये अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी गई है। कॉर्निया बिकम्स मिल्की और क्लाउडी, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। अब इसको हम क्योर कैसे करेंगे, तो क्योर करने के लिए यहां पे सिर्फ हमारे पास एक ही वे है, सर्जरी, राइट। इसका हम सर्जरी करके ही इसको हम क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मायोपिया और नियर साइटनेस। तो इसमें क्या होता है कि मायोपिया में क्या होता है कि यहां पे हमें जो पास की चीजें होंगी, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होंगी, वो हमें
क्लियरली दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की चीजें होंगी, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं क्लियरली, राइट। तो ऐसे जो हमारे डिफेक्ट आते हैं हमारे विजन में, उसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, राइट। अब देखो सर, कॉज क्या क्या है। पहला कॉज क्या है कि या तो हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया होगा, राइट। दूसरा हमारा क्या है, इलोंगेशन ऑफ ह्यूमन आई बॉल, यानी कि जो ह्यूमन आई बॉल है उसके लेंथ का इंक्रीज होना, उसके डायमीटर का क्या इंक्रीज होना। तो ये दो मेन कॉज हैं मायोपिया के। मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, मायोपिया क्या होता है, जहां पे हमें नियर बाई चीजें दिखाई देती हैं, नियर बाई जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखाई देंगे, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, क्लियर। रीजन क्या होता है इसका, कॉज क्या है कि फोकल लेंथ का डिक्रीज होना, जो हमारी आंखों में लेंस है उसके फोकल लेंथ का डिक्रीज होना, या फिर आई बॉल के डायमीटर का इंक्रीज होना, ये हमारा मेन रीजन होता है, राइट। अब देखो इसको हम क्योर कैसे करेंगे, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, तो हम एक सुटेबल फोकल लेंथ या फिर पावर का, सुटेबल पावर का हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, राइट। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम करेक्शन अगर इसका देखा जाए तो यूज ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ और पावर, है ना, सुटेबल फोकल लेंथ या पावर का हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे यहां पे, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं यहां पे, कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं। सुटेबल फोकल लेंथ या फिर पावर का क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं, राइट। तो इसका यूज करके हम मायोपिया को खत्म कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसको कहते हैं फार साइटनेस। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि जहां पे हमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं, जो डिस्टेंट चीजें होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की चीजें होती हैं वो हमें नहीं दिखाई देती है, राइट। अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे कभी कभी होता है क्या भाई कि जो एक जो एग्जैक्ट जो वैल्यू हमें दी गई भाई कि 25 सेंटीमीटर तक हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए, लेकिन बहुत बारी होता क्या है कुछ लोगों में कि वो बहुत पास करके चीजों को पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, तो ऐसे में हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, राइट, कि जहां पर हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं क्लियरली, लेकिन दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है कि फोकल लेंथ का क्या होता है, इंक्रीज होना, फोकल लेंथ का इंक्रीज होना या फिर डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई बॉल का डिक्रीज होना, ये हमारे मेन रीजन है हाइपरमेट्रोपिया के। अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि इनका जो करेक्शन है, इनका जो हमारा करेक्शन है वो कैसे करेंगे, इनका जो करेक्शन है वो हम कैसे करेंगे, सुटेबल फोकल लेंथ और सुटेबल पावर का हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, राइट। इसको करेक्ट करने के लिए सुटेबल फोकल लेंथ या फिर पावर का हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फोर्थ हमारा क्या है, प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है कि ये हमारा मोस्टली ओल्ड एज पीपल में होता है, राइट, जो 60, 65, 70, 80 इस एज के जो लोग होते हैं उनमें बेसिकली हमारा प्रेस बायोपिया पाया जाता है। ये जो डिफेक्ट है वो ऐसे लोगों में होता है। अब देखो इसका जो मेन रीजन क्या है कि भाई एज के साथ साथ उनके सिलेरी मसल क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, राइट। एज के बढ़ने के साथ साथ सिलेरी मसल क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। तो सिलेरी मसल वीक होने की वजह से जो लेंस होता है वो अपने प्लेसेस से हट जाता है, तो ऐसे में हमें प्रेस बायोपिया हो सकता है। दूसरा मेन रीजन क्या है कि डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एज के बढ़ने के साथ साथ
डिक्रीज होती जाती है। तो ये दो मेन रीजन है प्रेस बायोपिया के। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें जो हम लेंस यूज करते हैं वो दोनों लेंस होता है। देखो कभी कभी उनके चश्मे में क्या होता है, आपने देखा होगा भाई कि अगर ऐसा कुछ हमारा चश्मा है, ऐसा कुछ चश्मा, तो यहाँ पे हमें दो इस तरीके से एक ऐसा दिखाई देगा, मीन्स तो नीचे कुछ और लेंस होता है और ऊपर कुछ और लेंस होता है, राइट। तो जो अपर पार्ट का जो लेंस होता है वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस। हमारा कौन सा लेंस होता है बच्चे, कॉनकेव लेंस। और जो नीचे वाला जो लेंस होता है वो होता है हमारा क्या, कॉन्वेक्स लेंस। तो उनके जो चश्मे में लेंस लगता है वो दोनों लेंस होता है, अपर पार्ट हमारा कॉनकेव होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो इस टाइप का चश्मा यूज करके वो इस प्रेस बायोपिया को रिड्यूस कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को वो रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।